मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी तहसील में प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा के निर्देश अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में कुशवाहा समाज में जन चेतना एवं जागरूकता के लिए हर जिले में 3 दिवसीय प्रवास किया जा रहा है, जिसमें समाज को सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं धार्मिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बनाने के लिए समाज में व्याप्त 13वीं जैसे कुप्रथा को बंद करने के लिए निरंतर जागरूकता के लिए छोटी छोटी संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश महामंत्री गोपाल सिंह कुशवाहा, प्रदेश संगठन मंत्री पप्पू कुशवाहा, युवा प्रदेश महामंत्री सुनील कुशवाहा, गोपाल संभाग मीडिया प्रभारी राकेश कुशवाहा विदिशा जिले में 3 दिन के लिए प्रवास पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने विदिशा जिले के सभी तहसीलों का भ्रमण किया और संगोष्ठियों का आयोजन कर समाज को जागरूक किया। देखिए प्रदीप कुमार प्रजापति की यह रिपोर्ट। शमशाबाद में जाके समापन हुआ तो ये चल रहा है पूरी समाज के अंदर जागरूकता, इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में ये चलना है, और जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप में हमारे समाज की भागीदारी कैसी हो, हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, इस पर चिंतन किया जा रहा है। राजनीतिक स्तर पे हमारे समाज के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, SP, BSP, BJP, कांग्रेस, अगर वो दावेदारी करते हैं तो हम प्रयास करेंगे। अगर कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति अगर टिकट मांगता है तो उसके लिए हम कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, प्रयास करेंगे, हम उनसे मुलाकात करवाएंगे कि उन्हें कांग्रेस टिकट दें। और BJP की विचारधारा का अगर कोई व्यक्ति है तो हम, अगर वो टिकट के लिए सामने आता है तो हम उसे माननीय BD शर्मा जी से मुलाकात करके BJP से टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो संगठन है प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश, वो समाज के लिए राजनीति करता है, राष्ट्रवाद के लिए राजनीति करता है, ना कि समाज पर राजनीति करता है। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। जब हमारा समाज बढ़ेगा, प्रगति करेगा, तो देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में एक आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सभी प्रकार से मदद करेगा, सहयोग करेगा और योगदान देगा।